से सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गोवली की पावन पवित्र धरा से श्री हरि राम कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का तीसरा मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। टॉस के लिए दोनों कप्तान अंपायर गोवली ने टॉस जीता। मान क्लब गोवली चॉइस कोर्ट राम सिंह जी सारी लीजिए। दोस्तों मैं शुरू होता हूँ इसी के साथ। खुडानिया का रेडर आया है, शानदार रेडर, अभी तीन नंबर की जर्सी में। खुडानिया के बेहतरीन रेडर इस वक्त है, बहुत अच्छा रेडर है। मान क्लब और यहाँ पे साइड लाइन से बार बेचने की कोशिश, लेकिन पहुँच गया लक्ष्य तक, सफल रेड। पॉइंट के साथ बोनस मुकेश जी का इशारा, जो कि निर्णायक के रूप में अजय जी नरवाल का साथ देते हुए। और इस वक्त देखिए सुनील चले हैं रेड पे, और सर पे साहब की चाय आ गई है भाई। सुनील बेहतरीन, इसके लिए तालियां। खिलाड़ी और हौसले बुलंद है उनके, क्योंकि शो मैच में भी दो दो हाथ दिखाए थे उन्होंने। सीनियर सिटीजनों का जो मैच हुआ था उसमें तेजी से आगे बढ़े, भानु प्रताप को कैच कर लिया। जिस रफ्तार से आगे बढ़े थे उसी गति से कैच कर लिए गए। चट रोटी पटदाल, ये है अनुभव इस समय सुनील का, अनुभव का फायदा उठाते हुए इस वक्त। रूपेंद्र चले हैं इस वक्त, पहली रेड है उनकी ये। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, पांव से ही सही। बड़ा रेड, पहला ही रेड था उनका ये। दो पॉइंट के साथ मजबूत दिखाई देता हुआ इस वक्त, अच्छी वापसी गोवली मेजबान और उनके सामने खुडानिया। रोमांचक मुकाबला होगा इससे पहले, और यहाँ कैच करने की नाकाम कोशिश, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट। यहाँ रुपेंद्र फिर से चले हैं, पिछला रेड सफल रहा था इसलिए हौसले जरूर उनके बड़ा होगा। दो पॉइंट अर्जित किए थे, पांच के डिफेंस में। इसमें देखिए कॉर्नर पे तेज प्रताप चंद्रयान तीन की तरह, और उसके साथ मध्यांतर में देखे भानु प्रताप खामोश कदमों से ही वापस लौटे, और भानु प्रताप चले हैं रेड पे इस वक्त। खिली हुई धूप, श्री हरि राम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023 गोवली की सरजमी से। कुल मिलाकर प्रतियोगिता का तीसरा मैच, इसके अलावा एक शो मैच खेला गया सीनियर सिटीजनों का, मुकाबला टाई हुआ, देखना ना बोले। लेकिन यहाँ बेहतरीन कैच एक बार फिर से, और यहाँ लक्ष्य के करीब थे लेकिन वापिस खींच लिया। अच्छा कार्य किया सुनील और रुपेंद्र ने मिलकर, और उसका लाभ मिलता हुआ गोवली को। गोवली के गलियारे में एक और बहुमूल्य पॉइंट। शानदार विशाल कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित यहाँ पे, जीतने वाली टीम को 31,000 रुपये चमचमाती ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। वहीं उपविजेता के लिए 21,000 का पुरस्कार। और सुनील देखिए अपने बॉडी लैंग्वेज से चकमा देने की कोशिश, और इस वक्त सफ़ेद पोशाक में चले हैं, तीन नंबर जर्सी में, जो पहला रेड था सफल रहे थे। और यहाँ कैच करने की कोशिश, झपट्टा मारते हुए एक पॉइंट तो मिलना चाहिए उनको, और पहुँच गए लक्ष्य तक। जी हाँ, सफल रेड स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 4-4। परिवर्तन के तौर पे चले हैं, कमाल का कैच किया कॉर्नर पे, और खुडानिया इस वक्त झुकने वाला नहीं। खुडानिया पांच जबकि गोवली चार, एक अंक की बढ़त। बेहद रोमांचक मुकाबला, तेज प्रताप इस समय देखते किस तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं अपने टीम के लिए। कॉर्नर पे दावा किया, जी हाँ, ईमानदारी का परिचय दिया, और पॉइंट खुडानिया के खंड में जाता हुआ 6-4 का स्कोर, यानी कि अब दो अंक की बढ़त बना चुका खुडानिया। रुपेंद्र रेड पे, जो कि एक कामयाब रेडर है, और इनके ऊपर काफी दारोदार रहेगा फिर से, लेकिन इस बार नहीं पहुंच पाए रुपेंद्र। प्रयास जरूर अच्छा था, लेकिन खुडानिया का डिफेंस इतना मजबूत, इतना जोर से पुश किया कि साइड लाइन से बाहर चले गए भानु प्रताप। और गोवली इस समय थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफेंस कमजोर, क्योंकि तीन का ही सुपर टेकल ऑन। कॉर्नर पे सीनियर खिलाड़ी देखे इस वक्त, और ये देखते हैं कैसे कैच करते हैं भानु प्रताप। खामोश ही ये रेड होना चाहिए, जी हाँ, बगैर पॉइंट के वापस लौटे। और ये देखिए युवाओं में सीनियर की सौगात है, अरे वाह, दिल जीत लिया, नच बलिए, डांस पिचास कर ले, खेल का जोश और जज्बा देखिए, क्या बात है। ना गीता से ना कुरान से बात अदा होती है, ना किसी बादशाह की दौलत से अदा होती है, खुशियां बरसती केवल उन्हीं के आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की दवा होती है। जी हाँ, बुजुर्गों की दुआएं निश्चित रूप से गोवली की टीम में इस समय नजर आती हुई। मध्यांतर में ये देखिए टच पॉइंट का दावा किया, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, जी हाँ, पकड़े गए सही फैसला।
अब आए हैं BSNL 8-4 का स्कोर। ये लाइन चुटकाना रेड आउट होता है लेकिन पता नहीं आपको कोई नियम चेंज किया है, ध्यान रखें। और मजबूत डिफेंस में इसमें खुटानिया जो कि BSNL में सर्विस करते हैं, ये BSNL। और यहाँ चार दिशाओं से घेर लिया BSNL इस समय खुटानिया की गिरफ्त में, नेटवर्क कमजोरी दिखाई दिया इस वक्त। देखते हैं भानु प्रताप या फिर तेज प्रताप। 17 वर्षीय टीम है, 17 वर्षीय। देवेंद्र चले हैं इकलौते खिलाड़ी इस समय, नरेंद्र ऑल आउट किया इसी के साथ, करीब 5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया खुटानिया ने गोवली को। इंसान बनोगे परिवर्तन के तौर पे चले हैं, भले ही जींस में नजर आ रहे हैं इसलिए अपेक्षाएं ज्यादा नहीं की जा सकती जींस और बेल्ट पहनकर। देखते हैं लेकिन इमीडिएटली कोर्ट पे उतरे हैं और उसी तारतम्यता के साथ देखिए। और कॉर्नर पे तेज प्रताप इस समय तेजी से छलांग लगाया और बेहतरीन कैच किया। चंद्रयान 3 के नाम से मशहूर हैं ये, जिन्होंने मोरवा में बहुत अच्छा खेल खेला था। राजकुमार पहली बार आगे बढ़े शायद, 13-4 का स्कोर इस समय, 9 अंकों की विशाल बढ़त। और कैच कर लिए गए राजकुमार, शानदार डिफेंस नजर आई यहाँ पे रुपेंद्र नरेंद्र सुनील के रूप में, और शायद रुपेंद्र ही चले हैं। जी हाँ, अब 5-14 खुटानिया साइडलाइन से बाहर चले गए लॉबी में, और रूल यही कहता है कि टच करने के बगैर यदि लॉबी में जाते हैं तो सेल्फ आउट माना जाता, चाहे वो डिफेंडर हो या फिर रेडर, इसलिए उपहार के रूप में 1 पॉइंट जाता हुआ खुटानिया के खजाने में। एक बार फिर देवेंद्र दमदार, 5-15 के स्कोर में इसमें 10 अंक की बढ़त खुटानिया के पास। पहले आपका मुकाबला, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, और यहाँ कैच कर लिए गए, शानदार डिफेंस, 6 स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ। और इनसे काफी अपेक्षाएं होंगी, सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आए हैं गोवली के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। 6-15 यानी 9 अंक की बढ़त है। पहले आपका खेल करीब 7 मिनट का, और कॉर्नर के ऊपर ये देखिए क्या गजब का कैच किया है, लगता है पांव शिकंजे में फंसा दिया भानु प्रताप। बहुत अच्छा खेलता है करण, भानु प्रताप की बांधगी देखी इस समय रेड के ऊपर, सेकंड नंबर पे BSNL में जो सर्विस करते हैं। और यहाँ झपट्टा मारा सीनियर खिलाड़ी को ही सही, सीने के आसपास टच किया, 56 इंच का सीना छूने के बाद वापिस लौटे भानु प्रताप। कितने बहादुर खिलाड़ी हैं देखिएगा, बेहतरीन तरीके से। और इस समय स्कोर 17, और यहाँ जींस में पहनकर खेलते हुए, और यहाँ पे कैच करने की कोशिश, लेकिन भानु प्रताप को बाहर जाना होगा, तेज प्रताप या फिर देवेंद्र। गलत नहीं खिलाया जाता लेकिन देवेंद्र चले, अनुभव ज्यादा नहीं खिलाड़ियों को। और यह देखिए BSNL एक बार फिर से नेटवर्क कमजोर दिखाई दिया, बाहर भेज दिया जो BSNL में सर्विस करते हैं, 18-7 क्योंकि जियो का नेटवर्क ज्यादा रहने लगा है यहाँ पे, इसलिए BSNL की शो का ज्यादा मजबूत नहीं। और रुपेंद्र को हवा में ही शिकार किया इस वक्त, शानदार टेकल करण, कमाल कर दिया। राजस्थान पुलिस को एंगल होल्ड किया है। और इस समय देखिए सूरज भान पानी की सेवाएं लगातार, और भानु प्रताप पहुंच गए, टच पॉइंट 2 पॉइंट मिलेंगे। अब नरेंद्र चले हैं ऑल आउट का खतरा, अंतिम खिलाड़ी नरेंद्र ही बचे हैं, पिछली बार भी अंदर ऑल आउट का जब नरेंद्र थे, और सीने से लगा लिया तेज प्रताप ने, तुझे सीने से लगा लूं तो ऑल आउट करने में कामयाब, दूसरी बार ऑल आउट किया है करीब 9 मिनट के खेल में खुटानिया ने गोवली को। और तेज प्रताप ही चले हैं चंद्रयान 3 के नाम से मशहूर, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन रेडर हैं, हवा में गोता जैसे लगाते हैं। ये देखिए सफल रेड, सुनील को बाहर भेज दिया, मुकेश जी का इशारा और साथ राम सिंह जी धतरवाद निर्णायक रूप में। फिर से चले हैं सब्स्टिट्यूट को जो अंदर दिया था, कैच कर लिया गया है, वाह मौके की तलाश में था खुटानिया, सही वक्त पे कमर पे अटैक किया। ऐसे यदि कमर पे कैच करोगे तो कमर बल खाई जाती है। देवेंद्र एक बार पीछे, और पीछे से ये अच्छा कार्य किया रुपेंद्र ने, नजरें हटी तो घटना घटी, ऐसे ही ताक में रहते हैं शायद जो पुलिस लाइन में हो या फिर सार्वजनिक सेवाओं में, सही वक्त पे कमाल का डिफेंस रुपेंद्र का, जितनी भी तारीफ है उतनी कम।
और टच पॉइंट यहाँ दावा मिलेगा पॉइंट राहुल को बाहर भेजा। अब आया रेडर शेखू धीरे धीरे वापस लौटने की कोशिश भानु प्रताप उर्फ शेखू। ये 17 वर्षीय झुंझुनू की तरफ से खेलते हैं शेखू अंडर 17 खेलते हैं जिले के लिए और यहाँ देखिए झपट्टा मारने की कोशिश। जी हाँ कंधे को टच किया बटोर लिया पॉइंट सुनील सुनील के ऊपर भी काफी दारोमदार हालांकि लंबे समय बाद मैदान पे उतरे हैं लेकिन ये देखिए मोरनी की तरह चाल चलते हुए इस समय और बटोर लिया पॉइंट देवेंद्र खुडानी अच्छी खासी बढ़त पे। पहले आपका मुकाबला ज्यादा वक्त नहीं है इस समय देवेंद्र और बिट्टू दमदार देवेंद्र कहीं ना निकल जाए पार जहाँ एक बी एस एन एल में सेवाएं देते हैं नंबर दो पे वहीं रुपेंद्र पुलिस सेवाओं में कार्यरत था संभवतः और ये सुनील को छू लिया जैसे मानो आसमा छू लिया हो। चकमा देकर निकल गए देवेंद्र रुपेंद्र रुपेंद्र के रूप में देखते हैं कितने पॉइंट और आते हैं प्रभावी जरूर किया है देखिए बेहतरीन डिफेंस दिखाया और बेहतरीन ब्लॉक दिया देखिए सीने से लगा लिया अरे हुआ जो पॉइंट गोवली को जाना चाहिए था गोवली के जबड़े से खुडानिया ने पॉइंट अपने पाले में ले लिया। ये ताकत है देखिए हवा में थे गोवली में लैंडिंग हो रहे थे लेकिन वापिस खींच लिया ऐसा वाक्य बहुत कम देखने को मिलता। ईरान की टीम में मिराज भानु प्रताप कहीं भी अटैक कर देते हैं अचानक कहीं भी रुक जाते हैं। जी हाँ बीएसएनएल को एक बार फिर से टच किया है और सेल्फ आउट भी हो गए बाहर चले गए एक अंक से संतुष्ट तो बीएसएनएल की सेवाएं ज्यादा उत्तम नजर नहीं आ रही मेजबान के लिए जो कि गोवली की टीम क्योंकि नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं शायद कहीं ना कहीं बीएसएनएल का जियो का नेटवर्क अच्छा खासा इसलिए खुडानिया पूरा फायदा उठाते हुए बीएसएनएल की कमजोरियों का। इसी के साथ मध्यांतर हाफ टाइम नायक कमेटी हमारे गोवली में मैच शुरू हो गया लीजिए दूसरे आपका खेल शुरू खुडानिया 10 खुडानिया 20 जबकि गोवली 10 10 अंक की बढ़त है। महेंद्र आ गए हैं एक बार फिर से कोर्ट पे सब्स्टिट्यूट थे और यहां पे कैच करने की कोशिश की महेंद्र ने उम्र का तकाजा देखे फुर्ती कितनी बेहतरीन है और ये संकेत की सिर्फ उम्र एक अंक है कागजी रिकॉर्ड में बाकी खेल का जोश और जज्बा ज्यों का त्यों। यहां देखते हैं बोनस का प्रयास लेकिन क्लियर नहीं कॉर्नर पे है तेज प्रताप और यहां कैच कर लेगी माफ कीजिए बेहतरीन डिफेंस 32 10 अब मुकाबला। इससे पहले माफी चाहूंगा मैंने 20 का स्कोर बताया था बाय मिस्टेक लेकिन 32 10 यानी कि 22 अंकों की बढ़त है सुपर टेकल का संकट गोवली के ऊपर कैच किया है कमाल का। ऐसी ही ताकत की जरूरत है ऐसी ही नजाकत चाहिए सुपर टेकल से 2 पॉइंट और 12-32 यानी 20 का बढ़त अभी भी तो अच्छी खासी लीड है। हालांकि दूसरे आपका खेल इस वक्त कभी धूप तो कभी छांव कुदरत के ये नजारे हैं प्यास तो उनको भी लगती है जो सागर के किनारे हैं। करण पढ़ाई में जीरो खेल में हीरो करण खुडानिया की तरफ से दो तीन साल से संघर्ष कर रहे हैं एक खिलाड़ी वाले सारे गुण है करण में तेज प्रताप की जगह जो खिलाड़ी में गुण होते ना वो सारे है देवेंद्र ही चले हैं रेड पे। बारिश की संभावनाएं भी आज कल भी हल्का बारिश हुआ था देर शाम और आज भी बारिश आ सकता है लेकिन अभी तक मुकाबला लगातार चलता हुआ पॉइंट बटोर लिया। जी हाँ फिर से संकट में है गोवली देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इससे सुपर टेकल के दबाव में है खुडानिया लाभ लेना चाहेगा सुपर टेकल का कैच करने की कोशिश और पहुंच गए लक्ष्य तक छलांग लगाते हुए सफल रेड भानु प्रताप चले लेकिन सुपर टेकल का दबाव होगा तीन का डिफेंस सुनील रुपेंद्र के रूप में कॉर्नर के ऊपर कैच करने की कोशिश राजस्थान पुलिस मौके की तलाश दोनों छोर से गलती करते ही तो पहुंच लगी पुलिस कैच करने की कोशिश की है पहुंच गए लक्ष्य तक शायद एक या दो दो पॉइंट का इशारा हालांकि अच्छा कोशिश किया था रुपेंद्र ने लेकिन गलत समय पे उन्होंने हाथ को आगे बढ़ाया और 2 पॉइंट गंवा दिए।
मजबूत स्थिति में खुडानिया और आसान नहीं होगा यहाँ गौड़ी के लिए। और यहाँ कैच कर लिए गए कॉर्नर के ऊपर, शानदार है टेकल ऑल आउट इसी के साथ और तीन पॉइंट जाते हुए खुडानिया के खंड में। 20-40 का स्कोर, दो मिनट बोलना क्या। और यह देखते हैं दीपक एक बार फिर से पॉइंट अर्जित करता हुआ। रुपेंद्र खामोश होता हुआ गोबड़ी इस समय रीड मानी जाती है रुपेंद्र के रूप में, लेकिन यहाँ लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इस बार कामयाब रहे, पिछली बार वापिस खींच लिया था, लेकिन ये जरा दूसरा हाफ, वो पहला हाफ था तेज प्रताप। एक मिनट बोल दो, बोलो करवा दे मैच, दो मिनट। भानु प्रताप डिफेंस थोड़ा सा मजबूत होता हुआ कॉर्नर पे आ रहा हुआ, हवा में शिकार करने की कोशिश, फ्रॉग जंप बोलते हैं फ्रॉग जंप, लेकिन मात खा गए फिर से महेंद्र, फ्रॉग जंप है। लेकिन जितने भी तारीफ करें महेंद्र की उतनी कम है, चीते की तरह या फिर कहें शिकरेबाज की तरह हवा में शिकार करने का भरपूर प्रयास किया। और यहाँ पे कमाल का कैच किया कमर के ऊपर तेज प्रताप ने, और इसी के साथ खेल खत्म। यहाँ पे खुडानिया ने शानदार तरीके से मुकाबला जीत लिया है, मेजबान गौड़ी को पराजित करते हुए। अच्छी ठोस शुरुआत खुडानिया की, और खुश यहाँ पे तेज प्रताप एंड कंपनी। शुक्रिया।